अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10 जुलाई 2022 है आज और बारिश हुई है, और जुलाई के महीने में तो वैसे एक्सपेक्टेड गर्मी होती है सख्त, लेकिन कल इधर बारिश हुई है बहुत तेज़ और आज बहुत ठंड है। और ठंड जो है वो आपको मौसम के अंदर भी दिखाई देगा। और अभी हम आए हैं इस वक्त शिफ्ट क्लास्टनब्यूर्ग, ये ऑस्ट्रिया के कुछ तारीखी मकामात में से है या जो टूरिस्ट स्पॉट है उसमें से एक स्पॉट है शिफ्ट नाम के। यहाँ पर बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं और बहुत सारी इबादतगाहें हैं इनकी, और इसी तरह रिसर्च सेंटर्स हैं शिफ्ट के नाम से। तो शिफ्ट और बाकी जो इबादतगाहें होती हैं, चर्च होते हैं, तो उसमें ये फ़र्क होता है कि आम तौर पर किसी बहुत बड़े बादशाह या किसी बहुत मालदार बंदे ने एक इबादत की जगह बना के स्टेट की तरफ से गिफ्ट की होती है, तो उसको शिफ्ट कहा जाता है। तो ये जो शिफ्ट है क्लास्टनब्यूर्ग का, ये भी जो लियोपोल्ड III थे किंग ऑस्ट्रिया के, उन्होंने ये बनाई थी और फिर उन्होंने ये डोनेट कर दी थी उसके अपनी इबादत के लिए या मजहबी जो भी इनकी तालीमात या रिसर्च सेंटर्स होते हैं रिलीजियस उससे रिलेटेड इन्होंने मुंसलिक कर दी थी। जिस तरह शिफ्ट मिल्क है इसी तरह से शिफ्ट क्लास्टनब्यूर्ग है एक, और यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ की हिस्ट्री देखते हैं और यहाँ का विज़िट करते हैं। अच्छा, ये शिफ्ट क्लास्टनब्यूर्ग की थोड़ी बहुत तारीख है कुछ। ऑस्ट्रिया जो है ये एक कैथोलिक मुल्क है और कैथोलिक स्टेट के अंदर जो चर्चेज़ होते हैं आमतौर पर कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोने के मुजस्मे बनाए होते हैं और बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया होता है उसके ऊपर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, अंदर से उसको बड़ा सजाया होता है। तो ये भी उसी कैथोलिक जो बिलीव है ईसाइत की, तो उसी की एक शक्ल है। और इसको हम आपको अंदर का विज़िट कराएंगे कि कैसे अंदर क्या है और किस तरह हैं, लेकिन यहाँ से अब आपको बताते चलें ऊपर से कि आपको एक बिल्डिंग के ऊपर, ये डोम के ऊपर आपको एक ताज सा नज़र आएगा बना हुआ, जिसके ऊपर एक क्रॉस सा भी बना हुआ है। तो ये जो ताज है, तो आम तौर पर जो कैथोलिक्स हैं, ये जो इटली के अंदर जो रोम है, रोम के जो बड़े पादरी होते हैं या ईसाइयों के हेड, ये उनको जो है अपना लीडर मानते हैं, मजहबी रहनुमा मानते हैं, और इसलिए ये जो ताज है तो वो जो पादरी रोम के अंदर बैठे हुए हैं इन पूरी ईसाइत के जो बड़े आलिम हैं उनके ताज की ये शक्ल होती है। तो ये सेंटर के ऊपर उन्होंने उनके ताज का एक शक्ल उसकी बना के तो इधर इस मेन डोम के ऊपर लगाई है। फिर इसके साथ दूसरे साइड पे राइट साइड पर एक छोटी सी डोम है, उससे साइज़ में थोड़ी सी छोटी, और इसके ऊपर एक और ताज बना हुआ है। तो ये जो ताज है, ये जो ऑस्ट्रिया के अंदर ईसाइत के बहुत बड़े आलिम हैं ईसाइयों के, तो उन्होंने जो ताज पहना होता है तो ये उसकी एक शक्ल इन्होंने बनाई है। तो ये दो जो डोम्स हैं, इन दो डोम्स के ऊपर जो दो ताज बने हुए हैं, ये दोनों ताज जो है ये दो बड़े ईसाई जो मजहबी स्कॉलर्स हैं इनके, उनकी कैटेगरी वाइज, जैसे मेन डोम के ऊपर रोम के, पूरी ईसाइत के, जिनको ये रोम अपना सेंटर मानते हैं, हमारे लिए मक्का और मदीना है मुसलमानों के लिए एक सेंटर उसको मानते हैं और उसके साथ सारों की अटैचमेंट है, इसी तरह जो ईसाई मजहब है ये रोम के अंदर कैथोलिक, ख़ास तौर पर प्रोटेस्टेंट्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो कैथोलिक्स हैं ये जो कलीसिया रोम है इटली के अंदर उसको अपना हेड मानते हैं और उसी से मुंसलिक ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें एक और रिलेटेड चीज़ है, ये मेन डोम के नीचे आपको कुछ मुजस्मे नज़र आएंगे और इन मुजस्मों के अंदर एक राइट साइड पे है एक मुजस्मा जिस मुजस्मे ने हाथ के अंदर तलवार पकड़ी हुई है। तो ये जो है ये दो बड़े सेंट हैं, जिस तरह हमारे यहाँ सूफियों का कंसेप्ट है इसी तरह ईसाइत के अंदर सेंट का कंसेप्ट है कि कोई बंदा अपने मरने के बाद अगर दो मौजज़े दिखाएगा तो वो सेंट डिक्लेयर किया जाएगा, उसको फिर सेंट कहा जाएगा। तो इसी तरह ये जो राइट साइड पे है तलवार पकड़े ये इसमें से, और जो लेफ़्ट साइड पे है जिसके हाथ में तीर है, इनमें से एक पीटर है और एक पॉल है।
तो ये पीटर और पॉल के बारे में कहा जाता है कि ये जो ये तलवार पकड़े जो पीटर हैं, ये असल में कहते थे कि दुनिया के अंदर जो खुदा के अल्फाज हैं वो तलवार है। तो इसलिए इनके मुजस्मे जगह जगह यहाँ पर बने हुए हैं ऑस्ट्रिया के अंदर, और इन्होंने एक हाथ के अंदर तलवार पकड़ी होती है, दूसरी हाथ के अंदर किताब, कि अल्लाह ताला या इनके नज़दीक जो खुदा हैं उनके जो अल्फाज हैं ज़मीन के ऊपर वो तलवार है, और तलवार ऐसी चीज़ है जो वो निज़ाम कायम करेगी अल्लाह के या खुदा का जो निज़ाम है उसको ज़मीन के ऊपर फैलाने के अंदर, और साथ में ये तलवार जो है ये एक डिवीज़न पैदा करती है रूह और जिस्म के अंदर, क्योंकि ईसाइत के अंदर भी रूह की इसका सोल का कंसेप्ट है कुछ ना कुछ, तो इसलिए उसकी एक डिपिक्शन है, उसकी एक शक्ल है, और ये आपको यहाँ पर ऑस्ट्रिया के अंदर जगह जगह नज़र आएंगे, चौकस के अंदर कुछ मार्केट्स जो बड़े बड़े शॉपिंग मार्केट्स हैं पुराने दौर के, वहाँ पर जगह जगह पर इनके मुजस्मे बने होंगे पीटर और पॉल के, और उन्होंने हाथ में तलवार और एक ने हाथ के अंदर नेज़ा पकड़ा हुआ होगा। इस मेन बिल्डिंग के साथ एसोसिएटेड एक और चीज़ है कि किंग लियोपोल्ड 3 ने इसको तामीर करने का प्रोजेक्ट शुरू किया था, और इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह बनाने का उनका प्लान था कंस्ट्रक्ट करने का, लेकिन फिर वो बीच में वफात पा गए और वो प्रोजेक्ट जो है इनका हाफ रह गया, तो इनका एक हिस्सा बन गया और 3 हिस्से रह गए। तो आप समझ लें कि ये तकरीबन 25% बना है और 75% रह गया है, और आप अगर इसके अंदर देखें तो बेसिकली ये इन्होंने सिमेट्रिक शेप के अंदर बनाना था, जिस तरह बीच में बड़ा डोम है और उसके राइट साइड पर एक छोटा डोम है, तो इसी तरह इसके लेफ्ट साइड पर एक डोम है राइट साइड अभी, तो इसके राइट के ऊपर भी इन्होंने एक डोम बनानी थी जो कि नहीं बन सकी क्योंकि वो वफात पा गए, और इसके पीछे भी कुछ इलाका था जो बनना था जो कि नहीं बन सका। तो इन्होंने एक पूरी मैप इन्होंने अंदर बिल्डिंग के अंदर दिखाई है, जिस मैप के अंदर इन्होंने बताया है कि किंग लियोपोल्ड 3 का प्रोग्राम किया था और इसको उन्होंने कैसे बनाना था इस जगह को, तो वो अभी हम आपको दिखाते हैं अंदर जाके कि एक्चुअल प्लान किया था और फिर कितना बन सका और कितना रह गया। जो जगह है ये असल में वो ओरिजिनल मैप है जो इन्होंने बनानी थी, इसमें फ्रंट तो तकरीबन बन गया है लेकिन ये जो मैप है पूरे प्रोजेक्ट का, इसमें ये दो मुख्तलिफ रंगों में दिखाया हुआ है, जो तकरीबन वाइट रंग का है आलमोस्ट ये बन गया है जो हमारी अभी मौजूदा शक्ल में मौजूद है, लेकिन ये जो बाकी डार्क ब्राउन कलर का है तो ये नहीं बन सका क्योंकि बादशाह जो है वो वफात पा गए और प्रोजेक्ट बीच में रह गया और फंडिंग शायद बंद हो गई नई गवर्नमेंट के अंडर, तो इसलिए ये इनका वो है। बाकी भी इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे मुजस्मा वगैरह बने हुए हैं, अगर आप ये देखें इधर ये मुजस्मा है, ये भी शायद इनकी कोई मशहूर शख्सियत है, और इसी तरह इनके जो स्कॉलर्स होते हैं या जो इनके आलिम होते हैं ईसाई मज़हब के, तो उनका इस तरह का लिबास होता है, तो ये उनके लिबास की इन्होंने एक वो बनाई है कि कैसे इनका लिबास किस शक्ल का होता है, और अक्सर यहाँ पर लोग इस लिबास में घूमते फिरते नज़र आते हैं। अच्छा, ये कुछ बोतलें आपको पड़ी नज़र आएंगी, और यहाँ पर जो बेहतरीन शराब है वो इस जगह में भी बनती है जो इनकी है, और यहाँ पर इस इलाके के अंदर जो मशहूर शराब है बेहतरीन किस्म की, तो वो ये लोग यहाँ पर बनाते हैं और फिर ये मार्केट के अंदर वो बेचते भी हैं, और लोग उसको बड़े उसके साथ बड़ी दिलचस्पी के साथ और बड़े शौक़ के साथ उसको ख़रीदते हैं, और उस शराब से जो पैसे जनरेट होते हैं तो वो मुनाफा भी इस चर्च के पास आता है या इस मोनेस्ट्री के पास आता है और इसके अंदर वो इस्तेमाल होता है, और ये कम्युनिटी सेंटर भी कहते हैं, यहाँ पर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ भी होती हैं और मजहबी इल्म भी लोग हासिल करते हैं। ये चर्च का मेन दाखिली दरवाज़ा है, और यहाँ से दाखिल होते ही
मुजस्मे इन्होंने ईसा अलैहि सलाम के और मरियम अलैहि सलाम के कुछ मुजस्मे बनाए हुए हैं दाएँ तरफ और बाएँ तरफ, और दीवार के ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के की चीज़ें कंदा की हुई हैं, शक्ल तो तस्वीरें बनाई हुई हैं, मुजस्मे बनाए हुए हैं। कुछ इनकी जो अहम मजहबी शख्सियात हैं कुछ उनके मुजस्मे हैं और उनकी उनसे मुतालिक चीज़ें हैं। और ये जो सामने है ये इन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम की बनाई हुए मुजस्मा बनाया हुआ है, और फिर लोग इधर आके इधर इबादत करते हैं। और साथ साथ इनकी कुछ जो मजहबी तारीखी शख्सियात हैं या इनकी जो ऑस्ट्रिया की तारीख में या ईसाई मजहब से मुतालिक जो भी जितनी भी तारीख है, तो वो इन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ मुजस्मों के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। ये जो है ये मेन इनका जो चर्च का हॉल है, और इधर लोग आते हैं इबादत करने बड़ी तादाद में इतवार के दिन ख़ास तौर पर। और ये टिपिकल जो कैथोलिक ईसाई जो स्कूल ऑफ थॉट है ईसाईत के अंदर, तो उनके बारे में मशहूर है कि इनके चर्च बहुत ज़्यादा लग्जरी होते हैं, उसमें अंदर बहुत ज़्यादा सोना लगा होता है और बहुत बहुत लेविश होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने लगाया होता है। तो ये अगेन अगर दोबारा आप इधर देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के तारीखी वाकियात को इन्होंने कुछ तस्वीरों और कुछ खाकों की शक्ल में समझाने की कोशिश की है, या इसको एक महफूज करने का एक तरीका है किताबों से हटकर, कि इन्होंने अपने मजहबी मकामात के ऊपर इस तरह के तारीखी इवेंट्स को इन 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 खाकों के ज़रिए से समझाने की कोशिश की है। और ये देखें सामने मेन जो जगह है उधर कितना सोना लगा हुआ है मुजस्मों के ऊपर, और सोने का पानी दिया गया है मुख्तलिफ चीज़ों को। ये सामने जो मेन जगह है जिधर ये सफ़ेद किस्म का टेबल पड़ा हुआ है सफ़ेद रंग का, तो इधर इनका जो बड़ा होता है आलिम ईसाई आलिम, वो इधर आता है, वो कोई खुतबा पढ़ता है या कोई जो भी इनकी मजहबी रसूमात होती हैं वो करता है। और नीचे ये सामने जितनी भी जगह है इधर लोग बैठे होते हैं। ये अगेन उन्होंने कुछ तारीखी मकाम, ये उन्होंने देखें ये सलीब उठाया हुआ है और उसको ऊपर से फिर कुछ समझाने की कोशिश की है किसी इवेंट को, और साथ में कुछ लिखा भी है कि ये किस तारीख में कौन सा इवेंट हुआ था और उसकी ईसाई मजहब के अंदर क्या अहमियत है। तो ये लोग इन जगहों पर आते हैं, ये बहुत बड़ा हॉल है, ये चूँकि यहाँ का मरकज़ी चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है, जिस तरह हमारे यहाँ जामिया मस्जिद होती है और उसमें लोग बड़ी तादाद में जाते हैं, और उससे हट के भी छोटे छोटी होती हैं इबादतगाहें, लेकिन ये इनकी मरकज़ी इबादतगाह के अंदर इन्होंने सारी तारीखी मजहबी और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वह इन्होंने एक जगह पर कलेक्ट करने की कोशिश की है। ये चर्च के साथ एक छोटा मलहिका चैपल है, इधर ये किताब पड़ी हुई है, इसमें लोग अपनी इबादत की कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं ईसाई इबादत से मुतालिक, और फिर सामने ये कुछ मुजस्मे बने हुए हैं, और बीच में ये स्टार किस्म की वाइट रिंग नज़र आ रहा है, ये ब्रेड है जो ये इबादत के बाद तकसीम करता है यहाँ का जो बड़ा पादरी होता है। ये छोटी सी इबादतगाह, और इसके अंदर ये जो आपको ये लकड़ी से बनी हुई एक छोटी सी वो नज़र आ रही है जिसमें ब्लू कलर का पर्दा है, और दाएँ और बाएँ इसमें जगह है कुछ। तो ये बेसिकली यहाँ पर लोग आते थे पुराने दौर में, जब उनसे कोई गुनाह होता था तो एक साइड पर वो बैठते थे, बीच में पर्दा होता था, और बाएं तरफ जो है वो पादरी बैठ के उनकी शक्ल देखे बग़ैर उनका मसला सुनते थे कि और उनकी तफसीलात सुनते थे कि उनसे कौन सा गुनाह हुआ है, और उस गुनाह के अजाले के तौर पर या उसकी माफ़ी के लिए फिर पादरी इनको कुछ तरीक़ेकार बताते थे, और फिर उसके ऊपर वो अमल करते थे, और फिर वो इस तरह से उनके गुनाह माफ़ करवाते थे जो पादरी होते थे। तो ये उसके लिए एक छोटी सी जगह इन्होंने बनाई है।